बिहार में एक राजनीतिक हलचल खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि चिराग पासवान और LJP एपिसोड के बाद पूरी तरह से बिहार की राजनीति में उफान मचा हुआ था, चर्चाएं चल रही थी। इस बीच में जीतन राम मांझी की मुलाकात नीतीश कुमार से होती है और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी चुपचाप बिना मीडिया से बात किए हुए, क्योंकि मीडिया को जैसे ही भनक लगी कि दोनों की मुलाकात होने वाली है, दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुलाकात की और इस मुलाकात को बड़ा ही महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच में इस मुलाकात के बाद दोनों ने किसी से कोई बात नहीं की, और बात जब नहीं की तो उसके बाद से पूरी कहानी जो है एक अलग रास्ते पर निकल चली। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ये सब कुछ किस लिए हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी की चुप्पी ने और ज़्यादा संशय बढ़ा दी। इस बीच में जीतन राम मांझी के कार्यकारिणी की और प्रदेश के नेताओं की बैठक भी थी। आपको बता दें कि इस बैठक में जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ जीतन राम मांझी की वर्चुअल बातें होने वाली थी, बहुत सारे फैसले होने वाले थे। और इन सब बातों को लेकर के पार्टी की वर्चुअल बैठक में जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनती, ईमानदार और कर्मशील हैं। ये बातें कहने का तात्पर्य क्या था, ये आप खुद समझ सकते हैं। इन सब के बीच में जिस तरह से LJP में जो कुछ भी हुआ और इसमें नाम नीतीश कुमार का आ रहा था, उसके बाद जीतन राम मांझी की व्यग्रता, व्याकुलता बढ़ना निश्चित ही था। कारण कि जीतन राम मांझी पहले भी नीतीश कुमार के सताए हुए हैं। अब इन सब बातों को लेकर के एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतन राम मांझी को नीतीश का हिस्सा बता रही थी NDA में रहते हुए, उसके बाद जीतन राम मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले भी कर रहे थे। इन सब बातों के बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस कयासों के बाद जीतन राम मांझी पर दबाव भी बढ़ रहा था कि आखिर वो क्या करेंगे। इन सब बातों के बीच में जीतन राम मांझी की जो बैठक हुई, उस बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन भी थे, जिन्होंने कहा कि हम जल्दी ही प्रदेश में स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जहां से लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BL बैसेंत्री ने की। मौके पर पूर्व मंत्री अनिल कुमार और अन्य लोग भी शामिल हुए थे। और इस बैठक में जो कुछ भी हुआ उसमें फिर से एक बार जीतन राम मांझी को अधिकृत कर दिया गया। अब जीतन राम मांझी को अधिकृत करने के बाद उन पर दबाव बढ़ गया और उन्हें इस बात को कई बार दोहराना पड़ा कि वो NDA का हिस्सा थे, NDA का हिस्सा हैं और आगे भी NDA का हिस्सा रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक में दो टूक कहा कि कोई भी भ्रम न फैलाए। कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम NDA में हैं, थे और रहेंगे भी। इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझा करके नीतीश कुमार और NDA के घटक दलों को एक संदेश दिया। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो NDA का हिस्सा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे LJP में हो रहे घमासान की तरफ इशारा किया। उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को ये मामला आपस में सुलझा लेना चाहिए। इन सब बातों के बीच जीतन राम मांझी को चिराग पासवान के गुट के अलग होने के बाद उनकी बेचैनी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अगर पारस गुट नीतीश कुमार के करीब आता है तो जीतन राम मांझी के लिए मुश्किल भरा समय हो जाएगा। क्योंकि जीतन राम मांझी आज जो एकदम बिल्कुल ही नीतीश कुमार के लिए सबसे मजबूत हथियार बने हुए हैं, वो हथियार LJP के पशुपति कुमार पारस और उनके साथ आने वाले 5 MP हो जाएंगे। यही कारण है कि जीतन राम मांझी बार बार ये दोहराने के लिए मजबूर है कि आखिर वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि NDA का हिस्सा हैं। अब देखना होगा कि इसके आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में वक्त बदलते और बात बदलते देर नहीं लगती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।